हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा वैलेंटाइन डे कब और क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों, 14 फरवरी का इंतजार हर मोहब्बत करने वालों को होता है। इस दिन को दुनिया भर के प्रेमी एक अलग और खास अंदाज में मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे आखिर मनाया क्यों जाता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस सवाल का जवाब। दोस्तों, वैलेंटाइन डे का नाम संत वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है। रोम में 3री सदी में क्लाइडिस नाम के राजा का शासन था। उसका ऐसा मानना था कि शादी करने से पुरुष की बुद्धि और शक्ति दोनों कम हो जाती। इसी वजह से उसने पूरे राज्य में सैनिक और अधिकारियों की शादियों पर रोक लगा दी। राजा के इस फैसले का संत वैलेंटाइन ने काफी विरोध किया। वह सैनिकों और अधिकारियों का विवाह चोरी छिपे कराने लगे और ये भनक राजा क्लाइडिस को लग गई। इसी वजह के चलते क्लाइडिस ने 14 फरवरी 269 में उन्हें फांसी चढ़ा दिया। तब से उस दिन को उनकी याद में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि वैलेंटाइन डे या अदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हमें किसी खास तारीख या दिन की जरूरत नहीं। सेलिब्रेशन करने के लिए दिन या तारीख नहीं होता। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, तो आपके लिए हर डे वैलेंटाइन डे। मैं राहुल आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।